हाँ जी, अपन पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर शॉर्ट में, ठीक है, समझेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है मोल कंसेप्ट से, तो पहले शॉर्ट में मोल्स की बात कर रहा हूं। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, क्लियर है। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। सेकेंड कंसेप्ट है मोल का मॉलिकुलर मास, विच इज नोन एज मोलर मास, मॉलिकुलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस 22.4 लीटर, ठीक है। तो मोल्स के बेसिक कंसेप्ट है, वन मोल ओटो मीन्स 32 grams, वन मोल ओटो मीन्स 32 grams, समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। वन मोल H2SO4 मीन्स 98 grams, बट हाफ मोल हो जाएगा 49 grams, ठीक है, समझ आ रहा है। 49 ग्राम्स मीन्स हाफ मोल, क्लियर है, किस तरह से मोल्स चलता है लॉजिकली, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक होते हैं मोल्स में। इसके बाद देखेंगे CO2, वन मोल यदि हम बोलते हैं वन मोल CO2 तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, और वन मोल का मतलब होता है मॉलिकुलर मास, तो CO2 का मॉलिकुलर मास निकालोगे तो 44 ग्राम आएगा। अब इसको ऐसा बोल सकते हैं 44 ग्राम मींस 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है, वन मोल, सारी वैल्यूज वन मोल की हैं, 44 ग्राम मींस वन मोल, और वन मोल CO2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में 11 ग्राम CO2 यदि बोल दिया जाए तो पहली बात तो 11 ग्राम CO2 का मतलब हो जाएगा 1/4 मोल CO2 का, 1/4 मोल, 1/4 मोल्स ऑफ CO2, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/4, समझ आया, क्योंकि 22.4 लीटर ऑल गैसेस के लिए वन मोल की वैल्यू होती है, 22.4 लीटर, क्लियर है, ऑल गैसेस के लिए वन मोल का वॉल्यूम होता है, एक मोल का आयतन, समझ आ रहा है, हाँ जी। और भी एग्जांपल ले सकते हो, इस तरह से 11 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na/4 क्यों होंगे, क्योंकि वन मोल CO2 मींस 44 ग्राम, तो 11 ग्राम CO2 मींस 1/4 मोल, और वन मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022×10^23 मॉलिक्यूल्स बाई 4। मैथ्स यदि पुअर है भाई लोग, यदि मैथ्स पुअर है तो फिर पूरा मजा लेना चाहिए, मजा लेने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। 44 ग्राम CO2 मींस वन मोल, 22.4 लीटर, तो 11 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे या कितना मोल होगा, 1/4 मोल होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। मान लो वॉल्यूम निकालना है 11 ग्राम का, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 22.4 11 अपॉन 44 आएगा, वही 22.4 अपॉन 4। ओरल करना सीखो, ओरल यदि न्यूमेरिकल्स अच्छे करने हैं, कंसेप्ट अच्छा करना है तो ओरल करिए, ओरल करेंगे तो बेटर आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, ओरल करने पे कंसेप्ट बेटर बनेंगे, ठीक है। तो ये हुआ मोल्स का बेसिक जो सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, समझ आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन होता है सी मोल अपॉन वी, ध्यान रहे, ये सिर्फ मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, इसमें IIT मेडिकल की चीजें बिल्कुल नहीं, मैं करूंगा एक्सप्लेन, उसका मॉर्निंग बैच अलग बैच है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू मोल अपॉन वी, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्वड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन केमिस्ट्री में एक कॉमन वर्ड है जिसको हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, ठीक है, कंसेंट्रेशन बिल्कुल ही कॉमन वर्ड है, समझ आ रहा है, हाँ जी।
यूनिट होती है कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर, कोई नई बात तो है नहीं, मोल पर लीटर या मोल पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। अब आते हैं बुक, आप देखोगे तो कंसंट्रेशन को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, फॉर्मैलिटी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन को ही मेजर करने की मेथड्स होती हैं। नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी मोस्ट फेमस है, तो पहला आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी समझ आ रहा है, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाम से ही क्लियर है कि इसमें मोल आने वाला है, मोल नाम से क्लियर, डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, मोल तो आएगा ही, मोल मतलब अमाउंट, मोल मतलब अमाउंट, ठीक है। तो फॉर्मूला बना सकते हो डेफिनेशन से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट को मैं ले रहा हूं Na, बिकॉज सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस आर मेड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो Na प्लस Nb लिखने का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है ये। हाँ जी क्लियर है ये। सो यूनिट अगेन आएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, मोल नाम से क्लियर है, मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको आगे एलाबोरेट कर दोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे, मोल के तीन फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एन अपॉन एन ए, अभी इसके पहले जो थ्योरी पढ़ाया था, थ्री कंसेप्ट होते हैं मोल्स के, तो मोल्स के तीन फॉर्मूले भी होते हैं, समझ आ रहा है, तीन फॉर्मूले, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, तो कोई सा भी फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ज्यादा फेमस डब्ल्यू बाई एम है, ये तब यूज होगा जब क्वेश्चन में गिवन मास दिया, जैसे 40 ग्राम NaOH, निवेदी जी समझ आ रहा है, 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व कर दिया, तो खोए खोए लग रहे हो, चले गए सरकार अब डर काहे का, हमारे भी सरकार अहमदाबाद में, अब डर काहे का, हम भी मैसेज तुरंत डिलीट नहीं करते हैं मैसेज, नहीं फिर बाकी टाइम तुरंत डिलीट करना पड़ता है, ठीक है, अब थोड़ा रिलैक्स, समझ रहे हो, चले गए सरकार, तीन तिवारी तेरा पड़े, हम भी समझते बेटा, ऐसा नहीं है, हम भी समझते हैं, क्योंकि दो तिवारी ही तो मिसिंग है ना, और कौन मिसिंग है, ऑब्जर्व कर लेते हैं, हाँ जो लोग बोले कि समवन इज मिसिंग, तो हमने आइडिया लगा लिया कि कौन मिसिंग है, वैष्णवी तो नहीं, ठीक है चलो हो गया, बहुत लोग चले भी गए ना अभी कि मॉर्निंग में ज्वाइन करेंगे, ठीक है चलिए। होता है हाँ सबको एक बार, हाँ चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन ए अपॉन वी, डब्ल्यू ए बाई एम ए अपॉन वी,
1000 का मल्टीप्लाई तब करते हैं जब वॉल्यूम ml में दिया हो, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू, बोलो कुमारी जी, 1000 लीटर। तिवारी जी, हाँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। पढ़ाई पे फोकस रहेगा तो चीजें बनेंगी, तो इजी इजी चीजें भी नहीं बनेंगी, इसलिए पढ़ाई पे फोकस। मस्ती करो, मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, भाई पढ़ाई में ध्यान होना जरूरी है। हाँ, कंसेप्ट बनाना, मस्ती तो लाइफ में जरूरी है, ठीक। चलो, तो ये हो गया। चलिए, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो 1000 तभी आएगा जब वॉल्यूम दिया है 500 ml, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हो मत करो, 500 ml बोला है, सीधे आप पुट कर दो 1/2 liter, क्योंकि 500 ml का मतलब है 1/2 liter, 1/2 liter, समझ आ रहा है? 1 लीटर मींस 1000 ml, 200 ml मींस 1/5 liter, 1/5 liter, 200 ml means 1/5 liter, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ऑलरेडी वॉल्यूम है, ऑलरेडी इसके फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम है। सो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसके बाद आते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी हिंदी में बोलते हैं मोलैलिता। हाँ, आप लोग पढ़ाई हिंदी में मत हंसो, अच्छी बात है, अंग्रेजी वालों को हिंदी बनी हंसनी चाहिए, तो अपने देश के यहाँ से है ना। चलो, मोलैलिता, हाँ जी, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ एक चीज चेंज होगी, डिसॉल्वड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, घटेंगे तो भोगेंगे, समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। कंसेप्ट को इजी करना सीखो, बार बार पढ़ते हो, बार बार बोलते हो, तो फिर ऐसी स्टडी करने का कोई लॉजिक नहीं है। रट्टा मार के भी 80% लाते हो तो कोई मतलब नहीं है उसका, जो चीज पढ़ो उस पर कमांड होना चाहिए। 10 chapters में आपसे 6 chapters बने, तब भी आप लाइफ में आगे बढ़े जाओगे, क्योंकि वो 4 आप आगे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन ऑल 10 chapters को रट्टा मारे हो तो कोई टॉपिक कभी आगे नहीं बढ़ेगा जीवन में, ये समझ लो। जो टॉपिक पढ़ो उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करो। हाँ जी, तो इसके नाम में भी क्या आ रहा है, मोल, तो डेफिनेशन तो क्लियर है और फॉर्मूला भी अंडरस्टूड है, सिर्फ एक चेंज होगा, मोल तो आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, समझ आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, क्लियर हो गया ये, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। यूनिट होगी मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर ग्राम भी हो सकता है, ठीक। तो सिर्फ जो स्मार्ट बंदा है वो सिर्फ ये पढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम रिप्लेस्ड बाय हो गया, वॉल्यूम रिप्लेस्ड बाय मास, बाकी मोल्स के फॉर्मूले पुट कर दोगे तो फिर से ये फॉर्मूला आगे डिराइव हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास WB into 1000। यहां भी 1000 तब करेंगे पुट जब मास दिया होगा ग्राम से, इफ मास ऑफ सॉल्यूट आर गिवन इन ग्राम्स, देन 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, 1/1000 kg, क्लियर हो गया ये, ठीक है जी। तो फॉर्मूला रटिए मत, लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ना इडियोसी है, मूर्खता। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया, बोलिए समझ आ गया है, आगे बढ़ते हैं। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में होता है मास, ध्यान से सुनेंगे, केवल आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मुंह पे कंट्रोल करके, मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज होता है,
बॉडी का मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है। समझ आ रहा है? बोलो, क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद आता है नॉर्मैलिटी। मैं सिर्फ बोर्ड का तो कंसेप्ट ही बता रहा हूं, बाकी हाँ वहां नहीं जा रहा हूं, थोड़ा बहुत जाऊंगा जो बोर्ड में आ सकते हैं। हाँ जी, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी में नाम से क्लियर है, नॉर मीन्स हो सकता है नॉट, इंग्लिश में नॉर मीन्स नॉट, ठीक है, नीदर नॉट पढ़ते हो इधर और। तो नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन होगी, ये तो नाम से क्लियर है कि वो मोल्स यहां नहीं आने वाला है, ठीक है, मोल्स नहीं आने वाला है, मोल्स नहीं आएगा, ये बात समझ में आ रही है, मोल्स नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगली क्लास में पूछूंगा तो अच्छा नहीं होगा, तो ये आप जानते हो कि टाइम पास सिर्फ मेरे यहाँ नहीं कर सकते हो, पढ़ाई को एंजॉय करो, मस्ती करो, हंसो, खेलो, कूदो, लेकिन सिर्फ मस्ती नहीं है ना, कि ध्यान रहे। अगले क्लास में सारा कुछ पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ ऊपर का कंसेप्ट चेंज हुआ है, मोल, मोल की जगह आ गया है ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स तुल्यांक, हिंदी में बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। समझ आ रहा है? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यदि नहीं पता है, 11th में था वैसे ये, पहला ही चैप्टर है मोल कंसेप्ट, W बाई E, W तो पता है गिवन मास, E, E इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक बोलते हिंदी में, संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर। समझ आ रहा है? ठीक, हाँ जी, नॉर्मैलिटी। अब इसको आगे करोगे एलाबरेट तो हो जाएगा, W बाई E अपॉन V इंटू थाउजेंड, थाउजेंड का मस्ट नहीं है, थाउजेंड का मल्टीप्लाई तभी होगा जब वॉल्यूम ml में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यदि आप डायरेक्ट ml में पुट करते हो, 200 ml बोलता है, यहाँ 200 पुट करते हो तो थाउजेंड का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मोलैरिटी, मोलैरिटी दोनों में मल्टीप्लाई नहीं होगा। यदि आप 200 ml को सीधे 1/5 लीटर लिख लो चेंज करके, और यहाँ पुट कर दो 1/5, तो भी 1000 नहीं आएगा। ये बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इतनी छोटी सी चीज में, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया है? बोलो भाई, ये हो गया नॉर्मैलिटी। इसके बाद आता है फॉर्मैलिटी। फॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी का ज्यादा यूज है नहीं केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में, बस इसका थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक्चुअली ये मोलैरिटी ही है, फिर इसका यूज क्यों है? इसका यूज होता है ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, केवल विद्युत अपघट्यों के लिए इसका यूज होता है, बाकी ये वही कंसेप्ट है। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है? समझ आ रहा है ये? बोलो भाई, तो ये कुल मिलाकर मोलैरिटी ही है, क्योंकि फॉर्मूला मास का फॉर्मूला भी मोल का ही फॉर्मूला है, W बाई M अपॉन V। सो इसको बहुत डिटेल
आना फालतू है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आप सुनेंगे। रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 11th 12th दोनों के फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, 11th 12th दोनों, ठीक है। कैपिटल एम मास, मास नहीं है भैया, मोलर मास नहीं है, अणु भार नहीं है, दिस इज मोलैरिटी। एंड वेयर एक्स इज वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे वैलेंसी फैक्टर यूज करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है जी आपको, तो वैलेंसी फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। और इस फॉर्मूले का भी यूज करना है तो सेम प्रॉब्लम है, दोनों में सेम प्रॉब्लम है। समझ आ रही है? क्लियर है? तो वैलेंसी फैक्टर एक्चुअली होता क्या है? चार्ज ऑन आयन, बेसिक कंसेप्ट तो इसका यही है, चार्ज ऑन आयन इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर। बट इतने बस कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, तो न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर का पहला कंसेप्ट वही है, चार्ज ऑन आयन। लेकिन दूसरा कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स में यदि एसिड बोलता है तो OH गिनने पड़ेंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और फिर उसमें देखना पड़ेगा कितने OH हैं। OH, H नहीं, OH, HCl में OH नहीं है तो फिर H ही गिन लेना है, H ही काउंट कर लेना है। बेस में हाइड्रोजन काउंट करते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे, बेस में हाइड्रोजन। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में अलग कंसेप्ट है, नंबर ऑफ बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। रेडॉक्स इक्वेशन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ते हैं, वो रेडॉक्स चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। या एक दूसरा ट्रिक भी है इसका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, इसको आपको समझना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा, ठीक है। कुछ जल्दी से एग्जांपल देख लीजिए। हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड जल्दी देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो पी ब्लॉक में, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल याद दिला दूं, ये फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता ये। तो इस सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, और ये बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यूज, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज, यहां 1 यूज, यहां 1 यूज, तो टोटल सल्फर के पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, 6 तो पहले से थे उसके पास, और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया विद डिफरेंट डिफरेंट एटम्स एक साथ। कई सारे कंसेप्ट बताता हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आ रहा है। एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल, हमको अभी वहां से मतलब नहीं है वैसे, कितने OH है फिगर में, स्ट्रक्चर में 2 OH है, सो इट्स बैलेंसी फैक्टर इज 2, ठीक है। एसिड इन विच 1 OH प्रेजेंट कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड, 2 OH प्रेजेंट डाइबेसिक एसिड, न्यूमेरिकल्स में ऐसा मिलेगा डाइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक, 3 OH है H3PO4, 3 OH है ट्राइबेसिक एसिड, समझ आया। मोनोबेसिक, कई बार न्यूमेरिकल में नाम नहीं देगा, मोनोबेसिक लिखेगा, मोनोबेसिक लिखा मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्लियर हुआ। डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, H3PO4, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स बहुत फेमस है, इनका स्ट्रक्चर बहुत फेमस है, H3PO4, दिस इज ट्राइबेसिक, एक्स की वैल्यू 3, ठीक है, 3। हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, पी ब्लॉक में पढ़ चुके हो, 15th ग्रुप, क्लियर है। तो वैलेंसी, देखो
वैलेंसी फैक्टर अलग अलग है जबकि तीनों में सेम हाइड्रोजन है, इसमें टू होगी वैलेंसी फैक्टर और इसमें खाली वन होगी, जबकि हाइड्रोजन तीनों में सेम है तो हाइड्रोजन से नहीं निकाला जाता है। एसिड में क्या काउंट करते हैं? OH। क्लियर है? तो आज की कहानी यही खत्म, इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। तो इक्विवेलेंट मास नॉर्मेलिटी ये आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए।